press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाइक खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर चर्चा करेंगे इसराइल और फिलिस्तीन की जंग के बारे में। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। आप बच्चे को लिखना पढ़ना नहीं सिखा रहे हो, आप बच्चे को शिक्षा नहीं सिखा रहे हो, आप बच्चे को रोड पर उतार रहे हो ये कहने के लिए कि मैं इसराइल के चीफ मिनिस्टर को ललकार रही हूँ। औकात तो ललकारने की इसराइल को। अगर अगर न्यूट्रल बात करनी है तो सबसे पहले ये बात किया जाए कि इसराइल ने हमास पर नहीं बम मारे थे। हमास आया था इसराइल की बहु बेटियों को नंगा करके नारे तकबीर पर रेप करने के लिए, और जब जवाब मिल रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। जब जवाब मिलता है मुसलमानों को तब दर्द होता है, तब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अरे एक तो तुम छेड़ते हो और इतने अभद्र तरीके से छेड़ते हो, इतने इतने गंदे और अश्लील तरीके से तुम स्टार्ट करते हो, और जब उसका तुमको रिप्लाई मिलता है तब तुम कहते हो अरे हमारा सिविलियन मर रहा है। अरे किसी और का भी सिविलियन मरा है? जब इसराइल में तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी मासूम ही मर रहे थे। बांग्लादेश में जब तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी हिंदू मासूम ही मर रहे थे। उनका कोई लेना देना नहीं था, वो तो छात्र प्रदर्शन था। आपने क्यों फिर हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर दिया? आप इतनी हाइपर हो गई हैं नाज़िया जी। जी मुझे बुरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है शैला कि अगर अफसोस एक मुसलमान के मरने पर होना चाहिए तो अफसोस एक हिंदू के मरने पर भी होना चाहिए। Agree. और मैं औरत हो करके, अगर औरत जात की नहीं हुई तो मैं किसी की भी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने दृश्य अपनी आंखों से देखा है इसराइल में जिस हिसाब से बच्चे को माइक्रोवेव में जला रहा था, 6 महीने के बच्चे को, और उसकी माँ का रेप कर रहा था। हम मासी फलस्तीन में जो हुआ वो भी बहुत बुरा है, उसकी वीडियोस भी हम देखते हैं, दिल में दुख है दर्द है, क्योंकि भारत जवाब के वक्त में विक्टिम कार्ड क्यों खेलता है मुसलमान? और अगर नहीं जवाब चाहिए तो छेड़ो मत किसी को ना, किसी को भी फिर मत छेड़ो, शांति से रहो ना। कौन आपको जा रहा है पोक करने के लिए या उंगली करने के लिए? कोई तो नहीं जा रहा है। आप अगर आप छेड़ते हो तो फिर जवाब में फिर विक्टिम कार्ड मत खेलो, प्लीज फॉर गॉड सेक विक्टिम कार्ड मत खेलो। अब आती है बात इसराइल और भारत की दोस्ती जी, जैसी थी उससे बेटर हो जाएगी। अच्छा। उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और भारत की पुत्री होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रही हूँ आपको कि मैं स्ट्रॉन्गली समर्थन करती हूँ इसराइल का, स्ट्रॉन्गली। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश की सरकार स्ट्रॉन्गली समर्थन करती है इसराइल का, और इसराइल उनको धर दबोच रहा है जिन्होंने इस दुनिया को परेशान करने की कोशिश की है और अपने देश का भी विनाश करने की कोशिश। लेकिन जो सिविलियंस पे अटैक इसराइल कर रहा है, क्या आप उसको भी सपोर्ट कर रही हैं? देखिए मुझे तो याद आता है वो दृश्य जब इसराइल की के एक 40,000 से 45,000 सिविलियंस मारे जा चुके हैं, एक भी कंप्लीट ना शायद। जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हो रहा था तो उनके उनका दर्द मुझे परेशान नहीं करता है क्या? जब कश्मीरी पंडितों के मासूम 6-6 साल के बच्चे को जिंदा दफनाया जा रहा था, उनका दर्द मुझे रात में सोने नहीं देता है अगर मुझे याद आ जाता है तो। उन सिविलियंस के बारे में किसी के मुंह से चू क्यों नहीं निकलता है? उन मासूमों के बारे में किसी के मुंह से चू क्यों नहीं निकलता है? क्या बात है, क्यों नहीं निकलता है? पाकिस्तान इसलिए रोड पर उतर करके हिजबुल्ला के नसरुल्ला का समर्थन और उसके मरने पर मातम क्यों नहीं मना रहा है? क्योंकि आपके पाकिस्तान में तो खुद शियाओं को मारा जाता है, उनके इमामबाड़े तोड़े जाते हैं, उनके उनके इबादतगाह को तोड़ा जाता है, चलता रहता है। बिल्कुल एग्री ना, तो शियाओं के पक्ष में पाकिस्तान क्यों रोड पर उतरेगा? सुन्नी मुसलमान तो शिया को मानता ही नहीं है। मैं भी सुन्नी मुसलमान हूँ, आप भी सुन्नती सुन्नी मुसलमान, शिया भी तो नहीं निकले, कैसे निकलेंगे बेचारे? बम फोड़ फोड़ करके आरडीएस डाल डाल करके आप लोग तो उसको खत्म कर देंगे, वो तो डर के मारे नहीं निकल रहे। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना आपके देश में, वो बेचारे निकले तो कैसे निकले? हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में जो चाहता है मुंह उठाकर
करके निकल जाता है। हमारे देश में बलात्कारियों के समर्थन में भी लोग निकलते हैं, हमारे देश में रेपिस्ट के समर्थन में लोग निकलते हैं, जिहादी और आतंकवादियों के समर्थन में लोग निकलते हैं। अब अफजल गुरु याकूब मेमन के लिए लोग निकले थे ना, सैलाब की तरह निकले थे। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारा देश संवैधानिक है। हमारे देश में अजमल खसब को बजाबते वकील दिया गया था कि आप, और मुसलमान वकील दिया गया था कि आपकी बात को यह समझ पाएगा, आपकी सेंटिमेंट को यह समझ पाएगा, ये मुसलमान वकील है, आप इसको बोलिए, अपने दिल का दर्द बताइए इसको और अपने जज्बात बताइए कि आपने लाखों लोगों को क्यों मर्डर कर दिया। ये हमारा देश है, डेमोक्रेटिक देश है ना। यहाँ आतंकवादी क्यों लाखों भारतीय नागरिक को मार डालता है, उसके भी जज्बात को समझा जाता है। अब आती है बात कि आपके आपके पाकिस्तान में शियाओं की औकात ही नहीं है रोड पर निकलने की, नहीं तो उनको तो मार करके खत्म कर दिया जाएगा और ब्लास्फेमी का फेक इल्जाम लगा करके उनको, उनके चितड़े उड़ा दिए जाएंगे। अब आती है ऐसा नहीं है, निकलते भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं निकलते, सिर्फ जुलूस के लिए जब उनका मुहर्रम में होता है। देखिए चला एकदम गलत, हम हमेशा न्यूट्रल बात किए हैं आपके साथ बैठ करके, एक्सेप्ट मुहर्रम के जुलूस के अलावा आपके पाकिस्तान में शिया और अहमदी बरेलवी बोरा को इजाजत ही नहीं है किसी चीज के लिए निकलने के लिए, तो वो बेचारा नहीं निकला। हमारे भारत में जो चाहो बलात्कारी के समर्थन में निकल जाओ, अजमल खसब के समर्थन में निकल जाओ, याकूब मेमन के समर्थन में निकल जाओ, सब निकल जाता है। अब आती है बात कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है, दूसरा वाला, दूसरा सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने कहा था कि रशिया और यूक्रेन के जंग के बीच में आप जाएं और जाकर के आप उसको खत्म करें, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कोशिश भी की और वो कोशिश रंग लाती भी दिखाई भी दे रही है। ठीक है, रंग लाती भी दिखाई भी दे रही है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि रशिया और यूक्रेन में जो जंग, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वो कोई एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, वो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, वो पावर का कॉन्फ्लिक्ट है, वो पोजीशन का कॉन्फ्लिक्ट है। कौन किससे बेटर है और कौन किससे कितना ज्यादा पावर और पोजीशन रखता है, वो उसका कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो इसराइल और अभी ईरान का जो हुआ है, या इसराइल और लेबनान का जो हुआ है, या इसराइल और हमास और फिलिस्तीन का जो हुआ है, ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का कॉन्फ्लिक्ट है, इसको समझना पड़ेगा। ये ऐसा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का कॉन्फ्लिक्ट है जो 1450 साल से चला आ रहा है। एक तरफ हर मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो लिबनान का हो, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो हमास का हो, चाहे वो फिलिस्तीन का हो, और चाहे वो इसराइल का तौरा पड़ता हो, वो सब ने अलहामी 5 किताबों में बनी इसराइल पढ़ा है। लेकिन सारे मुसलमान एकजुट होकर के फिर से एक बार बनी इसराइल को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और बनी इसराइल फिर से ये प्रूफ करने की कोशिश में है कि हम तो अलहामी किताब से चले आ रहे हैं, तुम हमको खत्म करोगे तो कैसे करोगे, हम तो तुम्हारी 5 अलहामी किताब में है, तुम जबूर पढ़ो तो भी बनी इसराइल है, तुम तौरा पढ़ो तो भी बनी इसराइल है, तुम इंजील पढ़ो तो भी बनी इसराइल है, तुम बाइबल पढ़ो तो भी बनी इसराइल है, तुम अल कुरान पढ़ो तो भी बनी इसराइल है, टोटली 4 है, आसमानी किताबें हैं 4-5 नहीं है। तो हर में बनी इसराइल का जिक्र है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। लेकिन आप मुद्दे से क्यों हट रही हैं, आपके जम्मू कश्मीर में हर घर पैदा होने की बातें हो रही है, आप तो हर जगह पाकिस्तान को टेररिस्ट बोलते रहते हैं। आपने आपने 3 सवाल किया था, तीन का जवाब देना जरूरी था कि नहीं था, ये पहले बोलिए बोलिए, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि ये अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की लड़ाई है, तो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री इसमें नहीं कूद सकते, इसमें नहीं कूद सकते, ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की लड़ाई है। ठीक है, अब बात आती है कि भारत में उमर अब्दुल्ला ने आज एक स्टेटमेंट दिया है, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के चश्मो चिराग जो है, जिन्होंने हिंदू लड़की से शादी किया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इसराइल को गाजा और फिलिस्तीन पर जो अटैक वो कर रहा है उसको रोकना चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। हाँ, एज अ मुस्लिम स्टेटमेंट ठीक है, सही है, एज अ मुस्लिम स्टेटमेंट शाला ये भी तो होना चाहिए कि जिस तरह से हमास ने घुस करके इसराइल की बहु बेटियों को नंगा किया था और नारे तकबीर के नारे पर बलात्कार किया था और 6 महीने के बच्चे को माइक्रोवेव में जलाया था और माँ का रेप कर रहा था, ये भी गलत है, बिल्कुल
पर भी बोलना चाहिए, इस पर भी बोलना चाहिए था उमर अब्दुल्ला को। पर मैं आपको चैलेंज देती हूँ और इस पूरी दुनिया को चैलेंज देती हूँ कि इस पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने अगर एक भी ट्वीट किया है तो मुझे दिखा दिया जाए। मुझे गलत तो गलत बोले, जो भी करे गलत तो गलत ही है, हमास करे या फिर इसराइल, बिल्कुल गलत तो गलत है। गलत है, लेकिन देखिए आप इनके छल कपट और दोहरी राजनीति और गिरगिट वाले रंग की प्रकाष्ठा की हद को देखिए कि उमर अब्दुल्ला आज रोड पर उतर करके मातम के साथ साथ और महबूबा मुफ्ती मातम के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए। आप उस वक्त क्यों नहीं कहें जब हमास इसराइल की बहु बेटियों को घुस करके उनका रेप कर रहा था नारे तकबीर के नारे पर, तब उमर अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को दो बातें कहनी चाहिए थी और भारत के मुसलमान जो फलस्तीन और हमास के समर्थन में खड़ा है उनको दो बातें कहनी चाहिए थी। एक कि नारे तकबीर का नारा जो होता है वो नमाज का तहलीमा बांधने के लिए होता है और इस्लाम का प्रचार करने के लिए होता है, बलात्कार करने के लिए नहीं होता है। तो इन हमासियों को रोका जाए कि इस्लाम की शक्ल को बदनुमा दाग ना लगाएं। दूसरा, सारे मुसलमानों को जो आज फलस्तीन और हमास की हिमायत कर रहे हैं और नसरुल्ला और हिजबुल्ला नसरुल्ला के लिए जो मातम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार, ये भी कहना चाहिए था कि हमास ने शुरुआत की, जो उसने गलत किया है वो माफी मांगे और आदरणीय प्रधानमंत्री इसमें इंटरवीन करे और इंटरवीन करके इस झगड़े को। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले और खासकर जवाब मिलने पे विक्टिम कार्ड खेलने वालों को उधेड़ कर रख दिया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।